गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन की। काइनेमेटिक्स में वी हैव स्टार्टेड विद यूनिफॉर्म मोशन, ओके। और यूनिफॉर्म मोशन में ही चलते चलते अबाउट स्पीड, अबाउट वेलोसिटी, अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बेसिक थिंग्स आई टोल्ड यू, ठीक है। अब वी विल बी टॉकिंग ऑफ सम ग्राफ्स, ओके। कुछ ग्राफ्स की बात करेंगे और उसमें चलते चलते, जैसा कि हम पोजीशन टाइम ग्राफ्स आपको प्लॉट करना बता भी चुके हैं, ठीक, तो पोजीशन टाइम ग्राफ की पहले बात करते हैं, चलो, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको पहले बता भी चुका हूं कि यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, ठीक है, उसमें जो पोजीशन टाइम ग्राफ बनता है वो किस तरह से बनता है, ठीक है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं। लेट अस सी, दिस इज योर पोजीशन एक्सिस, ये तुम्हारा टाइम एक्सिस है। टाइम को हॉरिजॉन्टल पे लिया, व्हाई? बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट है, पोजीशन जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है, इस कारण से हमने पोजीशन को इस एक्सिस पे लिया, टाइम, ओके, एंड दिस इज पोजीशन। तो जो ग्राफ बनता है, ओके, दैट मे बी, अगर ऑब्जेक्ट आपका ओरिजिन से स्टार्ट करेगा देन इट मे बी लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, ओके। अगर ग्राफ सपोज ओरिजिन पे ही बैठा हुआ है, क्लॉक ऑन हो गया, ठीक है ना, थोड़ी देर तक टाइम ऑब्जर्व करने के बाद फिर बॉडी ने चलना स्टार्ट किया विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी, अगेन स्ट्रेट लाइन एक्सिस इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। नाउ अगर बॉडी ओरिजिन के कहीं आगे से, अब देखो यहां से अगर हम बात कर रहे हैं कि बॉडी यहां से, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि बॉडी हैड स्टार्टेड, ओके, एट जीरो टाइम फ्रॉम सम नेगेटिव लोकेशन, ओके, बॉडी ने किसी नेगेटिव लोकेशन से स्टार्ट किया, इस बॉडी ने यहां से, इसे ये आपका ओरिजिन है। बॉडी अगर किसी पॉजिटिव लोकेशन से स्टार्ट करे, इट मे बी, ओके, यहां से जीरो टाइम पे बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ये जितने भी तुम्हारे स्ट्रेट लाइंस हैं इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, नंबर ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये सब अलग अलग तरह के मोशंस बता रहे हैं, ओके, अलग अलग सिचुएशन के। कहीं बॉडी ने हमारे एक्स एक्सिस से चलना, एक्स एक्सिस में ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया है, कहीं ओरिजिन के पहले मतलब किसी नेगेटिव पोजीशन से, और कहीं ओरिजिन से के आगे से पॉजिटिव लोकेशन से, ठीक। लेकिन सिमिलैरिटी इन सभी केसेस में ये है, ओके, कि ऑल आर मूविंग सच दैट कि दे आर ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। तो दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ओके। नाउ इफ वी टॉक ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देन इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, वेरी फर्स्ट थिंग, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, इट विल नॉट बी दैट, ओके, इट विल बी समथिंग अदर देन दैट, ओके। लेकिन मैंने ये कह दिया समथिंग अदर देन दैट, इट डजेंट मीन कि ऑल द केसेस विल बी पॉसिबल और विल बी, ठीक है। नाउ लेट अस कंसंट्रेट दिस केस इफ वी आर टेकिंग इन टू अकाउंट, सी, ओके, पोजीशन, पोजीशन एंड दिस इज टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहां से स्टार्ट हुआ, बॉडी इज गोइंग लाइक दिस,
ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दिस ग्राफ टू, दिस ग्राफ वन, ओके, मत एनीथिंग अदर देन स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन, ओके, नाउ दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ वन मोर ग्राफ आई एम प्लॉटिंग, नाउ यू जस्ट थिंक ऑफ, ओके, विच टाइप ऑफ मोशन इज दिस. पोजिशन, टाइम, ओके, वर्टिकल लाइन. What do you say about this? This graph, what this graph is showing at this time, say T1, body is at this location, that is this location, body is at this location. At the same time, the body is at so many locations. Body is at so many locations. Okay? And it's not possible for a body to be present at many locations. Mean this graph is not possible. Not possible. Mean this is not okay. Not possible. This is not defining a reality. Okay. Let's take one more example. This is your time axis. This is your position axis. Okay. Parallel to time axis. What can you say? Dekho. At zero time, the body is at this coordinate. Okay. At this time, the body is again at the same coordinate. At the some other time, the body is again. Mean, time is progressing, body is not moving. This is the situation, okay, of rest. The body is at rest. Okay, now, these are two straight lines. They are not representing the uniform motion. This is representing an impossible situation. This is representing rest. So when we have straight line, okay, so straight line always is not showing the uniform motion. Theek? Haan. Straight line inclined at some angle. Inclined at some angle. Theek hai? 90 se kam. Fine, beta. Wo uniform motion batata hai. Parallel to time axis, rest bata raha hai. Now, see one more example. A body started from here going and like this. Okay. Now, this is your time axis. This is your position axis. Now, which type of motion this is defining? Now, you can say, okay, this is not a straight line motion. This is not a uniform motion wala case. स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब इंक्लाइन भी जा रहा है, थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन दिखा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है, आप ये सोच सकते हो. बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, ठीक है यहां तक तो कहानी ठीक है, इस टाइम तक तो ठीक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन इस टाइम के बाद इफ वी टॉक ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम, नेक्स्ट थोड़ा सा बॉडीज At this particular time, the body is at these two points. इसके next जितने भी times हैं, एक ही time पे body दो locations पे present है. It means this graph is not possible. Not possible. Hope this is clear. Okay. Now. Take
position time graph in case of uniform motion. Okay, and let us see how that defines speed or velocity. Slope of position time graph, और हम uniform motion के केस में position time graph की बात करेंगे. Let us see. Let a body is moving such that its position time graph is this. Okay, position time graph is this. This is your position axis. This is your time axis. Okay, now let a body is at x1 at time t1 and at position x2 at time t2. Now slope of this line. अब स्ट्रेट लाइन है, पूरी लाइन का स्लोप वही स्लोप होगा जो इस सेगमेंट का स्लोप होगा. ठीक, स्लोप होता क्या है? स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन ऑफ थीटा. मैथमेटिकल टर्म है टेन ऑफ थीटा. दिस थीटा इज एंगल विच द लाइन मेक्स विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ओके, तो अगर हमें किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो टेन थीटा फाइंड कर लो, एंड थीटा इज द एंगल विच द लाइन मेक्स विद हॉरिजॉन्टल. ओके, तो यहां पे स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ फाइंड करने के लिए व्हाट वी विल बी डूइंग, मैंने यहां पे एक ट्रायंगल क्रिएट कर लिया जे एच पी. ओके, नाउ स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ इन गिवन सिचुएशन. ओके, इन कंसिडर्ड सिचुएशन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये इतना, तो दिस एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे. ठीक, नाउ थीटा, इसका टेन थीटा ले लेते हैं. स्लोप इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, एंड टेन थीटा कॉरेस्पॉन्डिंगली विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर इज पी एच, बेस इज एच जे. PH is equal to x2 minus x1 and JH is equal to t2 minus t1. Okay, t2 minus t1. तो position time graph. अब by definition अगर हम बात करें ये क्या define कर रहा है? हाँ, by the definition of velocity. Velocity for considered situation. Considered situation. Situation क्या है? Situation is कि body is at x1 when time is t1, body is at x2 when the time is t2. Okay? Now, velocity is equal to x2 minus x1 over t2 minus t1. फाइन, ठीक है. तो फ्रॉम दिस एंड दिस, ओके, क्या पता चला कि स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ ओके is equal to velocity of object. Okay, slope of position time graph is equal to velocity of object.
लेट्स टेक एग्जाम्पल ओके कि ये कहना क्या चाहता है. सपोज वी हैव टू बॉडीज मूविंग ओके, दो बॉडीज हैं चली जा रही हैं, दोनों का पोजीशन टाइम ग्राफ इज गिवन ओके. दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ बोथ द बॉडीज, दिस एंगल इज 30 degree, दिस पोजीशन टाइम ग्राफ इज मेकिंग एंगल 30 degree, एंड दिस पोजीशन टाइम ग्राफ इज मेकिंग एंगल 60 degree. ओके, आपको कहा जाता है विच ऑफ द वेलोसिटी इज हायर ओके एंड व्हाट्स द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी ओके. नाउ लेट अस सी. अब यहां पे हमें देख के ही नजर आ रहा है कि स्लोप ऑफ लाइन बी इज मोर. स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी. स्लोप ऑफ लाइन बी, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ बी ऑफ बॉडी बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी ए. जब स्लोप बी का ज्यादा है तो वेलोसिटी बी की ज्यादा होगी. एज वी नो, इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, एज वी नो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ provides us velocity. ठीक है. Now slope of b greater than slope of a, therefore velocity of b greater than velocity of a. फर्स्ट सिचुएशन का आंसर आपको मिल गया. सेकंड सिचुएशन में हम कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज. अब रेशियो ऑफ द वेलोसिटी कैसे आएगा वो देखो. नाउ वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए इज इक्वल टू टेन ऑफ 30 degree. Fine, velocity of B is equal to slope of B is equal to tan of 60 degree. Ratio find करना है तो VA by VB. Now VA by VB is equal to tan of 30 divided by tan of 60 degree. Okay, tan 30 is 1/√3, tan 60 is √3. Now dono velocities ka ratio kitna bana, va is to vb is equal to ye 1/√3 denominator mein aayega और 1/√3 दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे तो दिस विल बी 1:3. ये 1/3 बन जाएगा ना, बी ए इज टू बी बी लाइक दिस ओके. यू कैन हैव यू नो दिस वेलोसिटी फाइंड फ्रॉम अ पोजीशन टाइम ग्राफ. ठीक है. नाउ लेट्स टेक velocity time graph in case of uniform motion.